फिजिक्स क्लास टेन चैप्टर नंबर है सेवनटीन इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स आज हम इसके सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस करेंगे क्वेश्चन नंबर वन है राइट द नेम ऑफ एनी थ्री एनालॉग डिवाइसेस हमें कोई भी तीन एनालॉग डिवाइसेस के नाम बताने क्वेश्चन टू है डिफाइन द टर्म हाई टेक हाई टेक की टर्म डिफाइन करनी है क्वेश्चन थ्री है राइट द नेम ऑफ एनी थ्री डिजिटल डिवाइसेस कोई भी तीन डिजिटल डिवाइसेस के नाम बताने इसका आंसर आपकी बुक में इससे पहले वाले पेज पेज नंबर वन फिफ्टी नाइन पर है ये जो एग्ज़ैम्पल्स है ना एनालॉग की और डिजिटल की क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर आपका इधर मौजूद है तो एनालॉग डिवाइसेस की एग्जाम्पल क्या है हमारे पास थर्मामीटर है बैरोमीटर है स्पीडोमीटर है व्हीकल्स हैं मैकेनिकल वॉचिज़ हैं डिजिटल डिवाइसेस की एग्ज़ाम्पल्स हमारे पास हैं एम पी प्लेयर डीवीडीज लैपटॉप सेंसर बायोमेट्रिक मशीन चिप इन आईडी कार्ड जो हमारे आईडी कार्ड में चिप लगी होती है वो भी हमारी डिजिटल डिवाइस की ही एग्ज़ैम्पल है ठीक है तो ये दो आंसर हो गए उसके अलावा जो इसमें क्वेश्चन नंबर टू था हाई टेक डिफाइन करना था क्वेश्चन नंबर टू का आंसर है आपकी बुक में पेज नंबर वन फिफ्टी सेवन पे हाई टेक्नोलॉजी इज द मोस्ट एडवास टेक्नोलॉजी अवेलेबल हाई टेक्नोलॉजी है मोस्ट एडवास टेक्नोलॉजी है द यूज़ ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंटर्स इन टू न्यू एरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है की वजह से हम बिल्कुल नए एरा में आ गए दिस शिफ्ट द वर्ल्ड फ्राम लो टेक अप्लायंसिस टू हाई टेक इलेक्ट्रॉनिक अपलायंसेज वर्ल्ड जो है वो लो टेक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज से हाई टेक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायसेज पे शिफ्ट हो गई है फिर उसके बाद यहाँ से लिखेंगे हम सारा जो रेड मार्क किया है ये सब आपको लिखना है दे आर फ्लेक्जिबल कॉम्पैक्ट ईजी टू यूज एंड हैव नेग्लिजिबल पावर लॉसेस ठीक है ये फ्लेक्जीबल हैं कॉम्पैक्ट हैं ईजी टू यूज हैं और इनका पावर लॉस कम होता है एंड दे कंज्यूम लेस एनर्जी और ये लेस एनर्जी कंज्यूम करते हैं यहाँ तक आपका आपके जो है तीनों क्वेश्चन गए इसमें इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है वट इज़ मैंट बाय थर्मियोनिक इमीजन थर्मियोनिक इमीजन बताना है और क्वेश्चन नंबर टू है व्हाट पार्टिकल्स आर रिलीज बाय थर्मियोनिक इमीजन थर्मियोनिक इमीजन में कौन से पार्टिकल रिलीज होते हैं ये बताना है पेज नंबर वन सिक्सटी पे क्वेश्चन नंबर वन का आंसर है थर्मियोनिक इमीजन इज द इमीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ हॉट मेटल सर्फेस किसी हॉट मेटल की सर्फेस से इलेक्ट्रॉन का इमीजन जो है वो कहलाता है थर्मियोनिक इमीजन उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन नंबर टू पूछा था हमसे व्हाट पार्टिकल आर रिलीज बाय थर्मियोनिक इमीजन थर्मियोनिक इमीजन से कौन से पार्टिकल रिलीज होते हैं तो इसका आंसर हमारे पास इसमें ही मिल गया हमें हम लिखेंगे इसका आंसर इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज बाय थर्मियोनिक इमेजन क्वेश्चन नंबर थ्री है वाई कैथोड मस्ट बी हीटेड इसका आंसर हम लिखेंगे अपने आप से हमें बना के लिखना पड़ेगा कैथोड मस्ट बी हीटेड बिकॉज वैन वी हीट द कैथोड थर्मियोनिक इमेजन टेक्स प्लेस एंड इलेक्ट्रॉन रिलीज़ या इलेक्ट्रॉन इस्केप फ्राम द कैथोड और यूं भी लिख सकते हैं वैन कैथोड हीटेड इट रिलीज द इलेक्ट्रॉन ठीक है ये भी लिख सकते हैं आप तो आपका क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर भी कंप्लीट हो गया इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु मेड द इलेक्ट्रॉन टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन लाइक अ बीम किसकी वजह से जो होता है इलेक्ट्रॉन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में या बीम की शक्ल में ट्रेवल करते हैं तो ये हमने पढ़ा था ना एनोड की वजह से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ट्रेवल करते हैं स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन में जो हमने आंसर लिखा था ना जो हमने एनोड डिस्क्राइब किया था वही हम इसमें लिखेंगे मैं अभी फिर आपको पढ़ के बता देती हूँ द एनोड इज द इलेक्ट्रोड विच इज़ एट पॉजिटिव पोटेंशियल एनोड जो है वो इलेक्ट्रोड होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल होता है इट इज़ यूज टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन्स ये यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए एंड टू फोकस दैम इन टू अ फाइन बीम और इनको फोकस करने के लिए एक फाइन बीम की शक्ल में ठीक है ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर वन हो गया क्वेश्चन नंबर टू है डिफाइंड कैथोड रेज आपको कैथोड रेज डिफाइन करनी है ये भी हमारे क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन के अंदर ही पार्ट बी जो था कैथोड का यही हम इसके अंदर लिखेंगे कैथोड इज द इलेक्ट्रोड विच इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल सो इट हैज नेगेटिव पोटेंशियल कैथोड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है इसलिए उसके अंदर नेगेटिव पोटेंशियल होता है वैन द लो वोल्टेज इज प्रोवाइडेड द फिलामेंट इज हीटेड जब लो वोल्टेज उसको प्रोवाइड करते हैं तो उसका फिलामेंट जो उसके अंदर लगा होता है वो हीटेड हो जाता है ड्यू टू द ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी थर्मियोनिक इमीजन अकर्स एंड इट गिव्स ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से जो होता है हीट निकलती है और हीट की वजह से थर्मियोनिक इमीजन होता है और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इमिट होते हैं या इलेक्ट्रॉन जो है वो uh, स्केप करते हैं ठीक है ये हमारा क्वेश्चन नंबर टू भी हो गया क्वेश्चन नंबर थ्री है विच वन इज हेल्ड एट हाई पॉजिटिव पोटेंशियल द कैथोड और द एनोड हमें पता है हाई पॉजिटिव पोटेंशियल पे क्या होता है एनोड होता है तो हम लिखेंगे एनोड

तो उसके अंदर कित, कितनी बार इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है इसका आंसर इसी पेज पे आपके पास मौजूद है द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजेस द डायरेक्शन मिलियंस ऑफ टाइम्स इच सेकेंड हर सेकेंड के अंदर इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो मिलियन टाइम अपनी डायरेक्शन चेंज करती है इसका आंसर ये हो गया क्वेश्चन नंबर टू है वॉट हैपन टू द एनर्जी एंड स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बीम वैन इट पासिस थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड जब कोई इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजर रही होती है तो उसकी एनर्जी और स्पीड पर क्या असर पड़ता है तो इसका आंसर हमारे पास यहीं पे मौजूद है द एनर्जी एंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम इंक्रीज इलेक्ट्रॉन बीम की एनर्जी और स्पीड दोनों इंक्रीज हो जाते हैं बढ़ जाते हैं ये हमारा क्वेश्चन नंबर टू का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर थ्री है डिस्क्राइब द पैथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में जो होता है इलेक्ट्रॉन का पैथ कैसा होता है तो इसके इसका आंसर यहाँ पर है ये जो नंबर वन है ये इसका आंसर है द बीम बैंडस एंड चेंज डायरेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड बस यहाँ पे आप इन इलेक्ट्रिक फील्ड का एडिशन कर दीजिएगा ठीक है इलेक्ट्रॉन की बीम जो होती है वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो क्या लिखेंगे मैं फिर से बता देती हूँ द बीम बैंडस एंड चेंजेस डायरेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड आपके ये तीनों क्वेश्चन हो गए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिस्क्राइब द पैथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है आपको इलेक्ट्रॉन का पैद बताना है तो ये हमने इसमें पढ़ा इसी पेज पे इसका आंसर है द बीम फॉलोज आ सर्कुलर पैद इन द मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो सर्कुलर पैथ को फॉलो करती है तो ये क्वेश्चन नंबर वन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टू है विच रूल इज़ यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड कौन से रूल के जरिए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करते हैं इसी पेज पे इसका आंसर है जो मैंने रेड से मार्क किया है द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कैन बी फाउंड बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के ज़रिए फोर्स की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री है व्हाट हैपन टू स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बीम एज इट पासिस थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड जब इलेक्ट्रॉन बीम जो है मैग्नेटिक फील्ड से गुजरती है तो उसकी स्पीड पे क्या असर पड़ता है इस इसी पेज पे इसका आंसर है ये जो ये मैंने रेड से मार्क किया है द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम डज नॉट चेंजेस इन मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन बीम की स्पीड जो है वो चेंज नहीं होती मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन बीम की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा हो जाती है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसमें कोई असर नहीं पड़ता उसकी स्पीड चेंज नहीं होती नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्सेस इज यूज टू मेजर द वोल्टेज वोल्टेज के को मेजर करने के लिए कौन सा एक्सेस यूज करते हैं सी आर ओ या कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के बारे में पूछा है कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के अंदर हम वोल्टेज कौन से एक्सेस पे मेजर करते हैं इसी पेज पे इसका आंसर है वाई एक्सिस इज यूज टू मेजर द वोल्टेज ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर वन का आंसर वाई एक्सिस के ऊपर जो है वोल्टेज मेजर किया जाता है उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्स शिफ्ट एक्स शिफ्ट का क्या फंक्शन होता है तो इससे पहले वाले पेज पे पेज नंबर वन सिक्सटी सिक्स पे ये जो मैंने रेड कलर से मार्क किया ये इसका आंसर है एक्स शिफ्ट कंट्रोल मूव द ट्रेसिस फ्रॉम द लेफ्ट और राइट ऑफ द स्क्रीन टू द सेंटर ऑफ द स्क्रीन एक्स शिफ्ट जो होती है वो ट्रेसेस को लेफ्ट राइट मूव करती है स्क्रीन के ऊपर ठीक है देखें अगर इलेक्ट्रॉन बीम सीधी जाके टकरा जाएगी और एक्स शिफ्ट और वाई शिफ्ट नहीं होंगी तो इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो डिफ्लेक्ट ही नहीं होगी जब वो डिफ्लेक्ट नहीं होगी तो फिर ये इस तरह का ग्राफ या फिर इस तरह का ग्राफ कैसे आएगा तो फ्लोरिसेंट स्क्रीन के ऊपर ग्राफ जो बनता है इस तरह से बनता है तो इस वजह से बनता है क्योंकि एक्स शिफ्ट और वाई शिफ्ट के जरिए इनको राइट right, लेफ्ट या अप एंड डाउन डिफ्लेक्ट कराया जा रहा होता है क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं विच इज द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ अ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का मेन कॉम्पोनेंट क्या होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप यानी सी आर ओ का मेन कॉम्पोनेंट जो होता है वो होती है कैथोड ट्यूब ठीक है इसका आंसर जो है आपकी बुक में पेज नंबर वन सिक्सटी फाइव पे देखें ये मैंने मार्क किया है रेड कलर से आप इसको देख सकते हैं द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ अ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इज अ कैथोड रे ट्यूब कैथोड रे ट्यूब जो होती है वही इस कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का मेन कंपोनेंट होता है सबसे मेन कंपोनेंट यानी कि जो ट्यूब है पूरी ये इसको पूरे को कहेंगे कैथोड रे ट्यूब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सिग्नल्स आर यूज बाय डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड डिवाइसेस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड डिवाइसेस के अंदर किस तरह के सिग्नल्स होते हैं डिजिटल डिवाइस जो होती हैं उसके अंदर डिजिटल या हम कहेंगे डिस्क्रीट सिग्नल्स होते हैं पेज नंबर 167 पे इसका आंसर है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स द डेटा बीइंग प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ डिजिट या डिस्क्रीट सिग्नल्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को जो डेटा प्रोवाइड किया जाता है वो डिस्क्रीट सिग्नल्स या डिजिट की शक्ल में होता है यह आपका क्वेश्चन नंबर वन का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर टू है विच कॉम्पोनेट इम्प्लीमेंट द लॉजिक्स तो लॉजिक कौन से कॉम्पोनेट्स पे इम्पलीमेंट होती है तो आप इसका आंसर ऐसे लिखिएगा विच कॉम्पोनेंट को काट दीजिएगा इसके बाद आप लिखिएगा एंड और एंड नॉट गेट्स इम्प्लीमेंट्स द लॉजिक इनके ऊपर जो है लॉजिक्स की इम्प्लीमेंट होती है क्वेश्चन नंबर थ्री है अ डिजिटल सिग्नल्स हैज़ हाउ मैनी स्टेट्स डिजिटल सिग्नल्स की कितनी स्टेट्स होती हैं ये मैंने आपको क्वेश्चन आंसर में भी समझाया था कि डिजिटल सिग्नल होते हैं उनकी सिर्फ दो स्टेट्स होती हैं जैसे यस और नो प्लस का माइनस ऑपोजिट दोनों ऑपोजिट दोनों ऑपोजिट स्टेट्स होती हैं इसके अंदर कोई भी इंटरमीडिएट स्टेट नहीं होती पेज नंबर 167 पर ही इसका आंसर हम यहाँ से लिखेंगे अ डिजिटल सिग्नल रिप्रेजेंट टू ऑपोजिट स्टेट्स डिजिटल सिग्नल्स के अंदर दो ऑपोजिट स्टेट्स होती हैं दी सिग्नल्स ईदर रिप्रेजेंट अ ऑन ऑफ हाई लो डिजिटल सिग्नल ये सिर्फ दो स्टेट्स को जाहिर करते हैं और वो दो कैसी होंगी जैसे ऑन ऑफ हो गया हाई लो हो गया ओपन का क्लोज या अपर का लोअर प्लस का माइनस या ट्रू का फॉल्स मैक्सिमम का मिनिमम ऑपोजिट स्टेट्स होती हैं तो इसमें से सारी आपको लिखने की जरूरत नहीं है आप इसमें से कोई चार लिख लीजिएगा बस ठीक है बस यहाँ तक इसका आंसर खत्म हो जाएगा उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ लॉजिक गेट आपको लॉजिक गेट की डेफिनेशन देनी है पेज नंबर 168 पे इसका आंसर मौजूद है और ये आपने जो है क्वेश्चन आंसर्स में भी किया हुआ है हम यहाँ से लिखेंगे द लॉजिक गेट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ डिजिटल लॉजिक सर्किट लॉजिक गेट जो होता है किसी भी डिजिटल लॉजिक सर्किट का बेसिक यूनिट होता है देयर आर थ्री मेनली बेसिक गेट्स एंड और एंड नॉट तीन मेनली जो बेसिक गेट्स हैं वो कौन से हैं एंड और नॉट एंड दीज लॉजिक गेट्स परफॉर्म एंड और एंड नॉट ऑपरेशन इन डिजिटल सिस्टम डिजिटल सिस्टम में जितने भी एंड के और के और नॉट के ऑपरेशन होंगे वो तमाम वो सब जो है इन्हीं गेट्स के जरिए होंगे तो बस आप यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टू है विच गेट इज यूज टू इन्वर्ट द इनपुट इनपुट को इन्वर्ट करने के लिए कौन सा गेट यूज होता है हम यहाँ लिखेंगे नॉट गेट इज यूज टू इनवर्ट द इनपुट नॉट गेट यूज होता है इनपुट को इन्वर्ट करने के लिए राइट द बोलियन एक्सप्रेशन ऑफ एन और गेट और गेट की आपको बोलियन एक्सप्रेशन बतानी है क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर हम क्या लिखेंगे बोलियन एक्सप्रेशन ऑफ और गेट इज y इज टू ए प्लस बी बस ये इसका आंसर हो गया हमारे तमाम तुम क्वेश्चन कंप्लीट हो गए उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल अल्लाह हाफिज़